हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है? वैसे बेसिकली जो ब्रेक स्टेटमेंट होती है उसको हम लूप्स के अंदर यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लेट्स से फॉर लूप का यहाँ पे जो है सिंटैक्स, इसको प्रोग्राम को यहाँ से कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा और यहाँ पे मैं इसको सेव कर दूंगा ब्रेक। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा ब्रेक डॉट सी और इसके अंदर मैं ये वाला कोड जो है वो कॉपी कर दूंगा। अब लेट्स से यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि लूप क्या काम करती है और कैसे काम करती है। ठीक है, फॉर लूप की अगर वीडियो आपने नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट का लिंक है, उसमें जाके आप जो मेरी फॉर लूप की वीडियो है उसको देख सकते हो। उसके अंदर और भी मैंने टॉपिक्स काफ़ी कवर करके रखे हैं सी लैंग्वेज के, तो आप वो भी देख सकते हो। तो आज के वीडियो में हम ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है और ये कैसे काम करती है। तो ये बेसिकली मैंने फॉर लूप लगाई हुई है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं, काउंटिंग प्रिंट करवा रहे हैं 1 से लेकर 10 तक। तो अगर मैं इसको यहाँ पर पहले रन करूँ तो यहाँ पे मैं लिखूँगा GCC और यहाँ पे मैं लिखूँगा ब्रेक डॉट सी, तो ये हमारी फाइल जो है वो कंपाइल हो जाएगी। और इसके बाद A प्रेस करके टैब प्रेस करूँगा तो ये हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी, लेट्स से 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, तो ये हमारी लूप चल रही है। अब लेट्स से हमारे पास कोई कंडीशन है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाए तो हमारी जो लूप है वो जो है वो क्लोज हो जाए, मतलब कि लूप से हमारा जो कंट्रोल है वो एग्जिट कर जाए बिफोर कंप्लीटिंग दी लूप। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं अभी, आपको शायद ना समझ आया हो, आपने सोचना है पता नहीं ये क्या बोली जा रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा। चलिए मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। अभी लेट्स से मैंने ये काउंटिंग प्रिंट करवाई 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब हमारी लूप 5 तक काउंटिंग प्रिंट करवा दे तब उसके बाद यहाँ पे हम एग्ज़िट हो जाएं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करें, यहाँ पे एग्ज़िट हो जाएं, तो उसके लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। अब लेट्स से यहाँ पे आई 5 तक प्रिंट हो गई। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर ये कंडीशन लगा दूँ, इफ़ आई इज़ इक्वल टू 5, उसके बाद क्या करो, ठीक है, उसके बाद क्या करो, यहाँ पे ब्रेक लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक स्टेटमेंट चल जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा, अब हमारी जब काउंटिंग 5 तक प्रिंट हो जाएगी उसके बाद जो ये लूप है ये एग्जिट हो जाएगी, मतलब कि 5 के बाद ये लूप नहीं चलेगी। ठीक है, 5 जब हमारी काउंटिंग 5 तक प्रिंट हो जाएगी उसके बाद हमारी जो लूप है वो एग्जिट हो जाएगी। मैं आपको दोबारा से चला के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं दोबारा से इसको कंपाइल करूँगा और यहाँ पे इसको रन करूँगा। तो अब ये देखिए हमारी काउंटिंग कहाँ तक चली, 5 तक चली। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन कहाँ तक चलाई है हमने, आई लेस देन इक्वल टू 10। अगर मैं इसको यहाँ पे ना लिखूँ तो ये हमारी काउंटिंग 10 तक चलेगी जैसे पहले चल रही थी। इसको कंपाइल करके दोबारा से रन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए अभी 10 तक चल रही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लगा दूँ तब ये कहाँ तक चलेगी, ये 5 तक चलेगी। मैं आपको इसका फ्लो भी एक बार चला के बता देता हूँ ये कैसे चल रही है। अभी लेट्स से आई में हमने क्या इनिशियलाइज करवाया, 1 करवाया। ठीक है, आई में क्या है, 1 है, तो ये कंडीशन चेक करेगा आई लेस देन इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, तो ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि आई में 1 है, 1 10 से कम होता है, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। उसके बाद ये क्या करेगा, यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट करवा देगा, आई में क्या है, 1 है। ठीक है, यहाँ पे मैं साथ साथ आपको बता ही जा रहा हूँ कि यहाँ पे आई में कौन सी वैल्यू है, तो आई में 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये चेक करेगा इफ़ आई इज़ इक्वल टू 5, आई में क्या है, 1 है, आई 5 के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हमारी इफ़ स्टेटमेंट नहीं चलेगी। ठीक है, अब आप ये भी सोच रहे होगा कि आपने पहले तो इफ़ स्टेटमेंट में ऐसे पैरेंथेसिस लगाई थी, उसके अंदर हम इफ़ की बॉडी लिखते हैं। ठीक है, कि हम ऐसे लिखते हैं इफ़ के अंदर बॉडी। मैं आपको ये भी बात बताना चाहता हूँ कि लेट्स से हमारी इफ़ के बाद अगर एक ही लाइन है, हमारी इफ़ की बॉडी के अंदर अगर एक ही लाइन है तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमारी इफ़
कंडीशन की बॉडी में अगर सिर्फ एक लाइन है तो हम ऐसे विदाउट कर्ली ब्रेसिस भी उसको ऐसे इंडेंटेशन दे के यहाँ पर लिख सकते हैं, ये भी चल जाएगा। ठीक है, तो आई में क्या है, वन है, तो यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है, आई इक्वल टू इक्वल टू फाइव, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसलिए ये ब्रेक स्टेटमेंट नहीं चलेगी। फिर ये कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा, आई इंक्रीमेंट हो जाएगी, आई में क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, तो ये यहाँ पे ठीक है टू हो जाएगा। फिर ये क्या करेगा, ये कंडीशन चेक करेगा, आई लेस देन इक्वल टू टेन, आई में क्या है टू है, टू लेस देन इक्वल टू टेन है, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब आई में क्या प्रिंट हो जाएगा, आई में टू प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये चेक करेगा आई इक्वल टू फाइव, आई में क्या है टू है, तो फाइव का इक्वल नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ब्रेक नहीं चलेगी। फिर से ऊपर जाएगा, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री हो जाएगी, कंडीशन चेक करेगा आई लेस देन इक्वल टू टेन, ठीक है कंडीशन ट्रू हो जाएगी, थ्री टेन से कम होता है, तो ये आई की वैल्यू को प्रिंट करवा देगा। क्या प्रिंट हो जाएगा, अब यहाँ पे थ्री प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये चेक करेगा आई इक्वल टू फाइव, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि आई में क्या है थ्री है, तो थ्री फाइव के इक्वल नहीं होता, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ब्रेक स्टेटमेंट नहीं चलेगी। फिर से ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा, आई में क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोर हो जाएगा। फिर ये कंडीशन चेक करेगा, फोर इज़ लेस देन इक्वल टू टेन, कंडीशन ट्रू है, ठीक है। फिर यहाँ पे आई की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, अब क्या यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, फोर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा आई इक्वल टू फोर सॉरी फाइव, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि फोर जो है फाइव के इक्वल नहीं होता, इसलिए यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट नहीं चलेगी। फिर ऊपर जाएगा, यहाँ पे आई की वैल्यू फाइव हो जाएगी, ठीक है आई की वैल्यू फाइव हो गई, यहाँ पे चेक करेगा आई लेस देन इक्वल टू टेन, कंडीशन ट्रू है, क्योंकि फाइव टेन से कम होता है, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे आ गया आई की वैल्यू को फाइव कर देगा, ठीक है प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे ये कंडीशन चेक करेगा आई इक्वल टू फाइव, आई में क्या है फाइव है, तो फाइव इज इक्वल टू फाइव, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट चल जाएगी और हम लूप से बाहर आ जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ फाइव तक ही प्रिंट हुआ, उसके बाद कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसे फ्लो चल रहा है। और यहाँ पे मैं अगर प्रिंट करवा दूँ, लेट से कुछ भी, आफ्टर फॉर लूप, ठीक है आफ्टर फॉर लूप, फोर लिख दिया मैंने, फोर नहीं आना यहाँ पे, फोर आएगा आफ्टर फॉर लूप। अगर इसको सेव करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, तो जब भी हमारी जो फॉर लूप है वो एग्जिट हो जाएगी, ठीक है जब भी हम फॉर लूप से एग्जिट हो जाएंगे, फॉर लूप की बॉडी जो है वो चल जाएगी, उसके बाद फिर हमारा कंट्रोल है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर लूप के बाद फिर जो भी होता है, फिर फॉर लूप की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद जो भी कंट्रोल है वो फॉर लूप के बाद जो भी लिखा होता है उस पर कंट्रोल हमारा आ जाता है। अगर मैं इसको दोबारा से कंपाइल करूं तो यहाँ पे फाइव के बाद अब यहाँ पे ये लाइन प्रिंट हो रही है आफ्टर फॉर लूप। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि फॉर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पे जो कंट्रोल होता है वो फॉर लूप के बाद फिर जो भी लाइन्स होती हैं उन पर उनको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है जी, तो ये थी हमारी ब्रेक स्टेटमेंट। आई होप आपको ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में समझ आ गया होगा कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या है और कैसे काम करती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और अगर आपने अभी तक मेरी सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट को चेक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट को चेक करें, इसमें मैंने सी लैंग्वेज के बहुत से टॉपिक्स ऑलरेडी ही कवर करके रखे हैं। और गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा ऑडियंस ऐसी है जो मेरे चैनल को वॉच करती है लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करती। तो अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को नया मिलता है तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।